नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी डॉट कॉम। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका की ओर से भारतीय कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों पर बयान देते हुए कहा कि हमारी समझ ये है कि इन कंपनियों ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है। इस मुद्दे पर स्पष्टता के लिए हम अमेरिका के संपर्क में हैं और भारत इन प्रतिबंधित कंपनियों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि कंपनियों को निर्यात से संबंधित नियमों के बारे में बताया जा सके। इस मसले पर संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 30 अक्टूबर को यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में मदद करने के आरोप में 19 भारतीय कंपनियों और 2 भारतीय नागरिकों सहित करीब 400 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां रूस को वो सामान उपलब्ध करवा रही हैं जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब बसपा प्रमुख मायावती का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है तब से भाजपा और सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। बसपा इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और बसपा ने यहां काफ़ी समय से अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव में जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा बटेंगे तो कटेंगे और समाजवादी पार्टी के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारों को प्रचारित करने में लगे हैं। मायावती ने कहा कि जबकि वास्तव में यह होना चाहिए कि PSP से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने पार्टी के चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पर कहा कि लालू और नीतीश के 35 साल के राज में बिहार के बच्चों की पीठ से स्कूल का बस्ता निकालकर मजदूरी का पूरा बांध दिया गया है। जनसुराज की सोच है कि बिहार के लोगों की गरीबी को खत्म करने का रास्ता स्कूल का बस्ता है, रोजगार का रास्ता स्कूल का बस्ता है। बिहार में पलायन अगर रोकना है तो उसका रास्ता स्कूल का बस्ता है। इसीलिए जनसुराज का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, क्योंकि पढ़ाई से ही लोगों का विकास हो सकता है, गरीबी दूर हो सकती है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री TK शिव कुमार ने आज शनिवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए चुनावी वादों को लेकर कांग्रेस की आलोचना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 2023 और 24 के लिए राज्य की GDP वृद्धि 10.2% है, जो राष्ट्रीय औसत 8.2% से अधिक है। दरअसल आपको बता दें कि एक्स पर एक पोस्ट में PM मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस विकास करने की तुलना में अंतर पार्टी राजनीति और लूट पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि यहाँ तक कि मौजूदा योजनाओं को वापस लेने की योजना भी बना रही है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि आज शनिवार सुबह खान्यार इलाके में हुई मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया और 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शहर के घनी आबादी वाले खान्यार इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया क्योंकि आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में दूसरे टकराव बिंदु देपसांग में सत्यापन गश्त शुरू कर दी है। सरकार ने आज शनिवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्वी लद्दाख में 2 टकराव बिंदुओं पर भारतीय और चीनी सैनिकों के पीछे हटने के एक दिन बाद यानी शुक्रवार को डेमचौक में गश्त शुरू हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन के साथ पीछे हटने के समझौते के बाद डेमचौक और देपसांग दोनों में पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर सत्यापन गश्त शुरू हो गई है। शिवसेना UBT नेता अरविंद सावंत के माफीनामे पर शिंदे गुट की नेता और मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार शाइना NC ने कहा कि सवाल ये उठता है कि क्यों उनके यानी अरविंद सावंत के बगल में अमीन पटेल हंस रहे थे।
आपको चर्चा करनी है तो मुद्दों पर कीजिए। और आज मैं शिवसेना यूबीटी से पूछना चाहती हूँ कि संजय राउत के बयान पर जहाँ वे कहते हैं कि माफ़ी क्यों मांगनी, आपका क्या स्टैंड है? मैंने 2014 से 2019 तक अरविंद सावंत के लिए राजनीतिक कैंपेन किया, तब मैं आपके लिए लाडली बहन थी और अब इम्पोर्टेड माल बन चुकी हूँ। जब मुझे नकार कर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आश्चर्य की बात है कि अरविंद सावंत माफ़ी मांग रहे हैं और संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं। शाइना एनसी ने पूछा कि शिवसेना यूबीटी को साफ करना चाहिए कि उनका रुख क्या है, माफ़ी मांगना या माफ़ी ना मांगना, चुनाव के माहौल में काम के ऊपर बात कीजिए, लेकिन फिर आप एक महिला को निशाना बनाते हैं और 30 घंटे के बाद माफ़ी मांगते हैं जब FIR दर्ज होती है। मैं एक महिला हूं, लेकिन मैं एक माल नहीं हूं। जो भी नेता विपक्ष में हैं वे चुप क्यों हैं? मैंने हमेशा उनका पक्ष लिया है, लेकिन आज वे लोग चुप हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और दक्षिणी मुंबई के सांसद अरविंद सावंत ने शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी पर दिए गए इम्पोर्टेड माल वाले बयान को लेकर माफ़ी मांगी है। समाचार एजेंसी ANI को बयान देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले एक दिन से बड़ा माहौल बना हुआ है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिला का अपमान किया है। मैंने जिंदगी में महिला का अपमान नहीं किया, 55 साल से राजनीति में हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो बयान दिया गया उसका अर्थ अलग समझकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, उसका मुझे दुख है, लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी के मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं माफ़ी मांगता हूं। मैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अपमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान को किसी पार्टी की तरह नहीं देखा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अपने एक बयान में अरविंद सावंत ने बिना नाम लिए शाइना एनसी के लिए कहा था कि उनकी हालत देखिए आप, जिंदगी भर वो भाजपा में रहीं, फिर वो दूसरी पार्टी में गईं। हमारे यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। अब उनके इस बयान के खिलाफ शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने कानूनी कदम उठाते हुए कल 1 नवंबर को FIR भी दर्ज करवाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरविंद सावंत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) के तहत FIR दर्ज की गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज शनिवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया है कि कनाडा सरकार भारत के राजनयिकों की ऑडियो और वीडियो के जरिए निगरानी कर रही है। रणधीर जायसवाल ने बताया कि कनाडा सरकार ने वाणिज्य दूतावास के कुछ अधिकारियों को सूचित किया था कि उनकी ऑडियो और वीडियो की निगरानी की जा रही है, जो कि जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि उनकी बातचीत में भी दखल दी गई। हमने आधिकारिक तौर पर कनाडा सरकार के आगे इसका विरोध जताया, क्योंकि इन कार्यवाहियों को हम राजनयिक और वाणिज्य दूत समझौतों का उल्लंघन मानते हैं। तकनीकी बातों का हवाला देकर कनाडाई सरकार इस तथ्य को वाजिब नहीं ठहरा सकती है कि वो उत्पीड़न और धमकी के काम में शामिल है। हमारे राजनयिक और वाणिज्य दूतावास कर्मी पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं। कनाडा सरकार की यह कार्रवाई स्थिति को और बिगाड़ती है और स्थापित राजनयिक मानदंडों और प्रथाओं के अनुरूप नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आगे कनाडा के उप विदेश मंत्री के भारतीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कल हमने कनाडा से जुड़े मामले के संबंध में कनाडा उच्च आयोग के प्रतिनिधि को समन किया था। एक राजनयिक नोट सौंपा गया जिसमें 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्यवाही का संदर्भ दिया गया। नोट में यह स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार ने कनाडा के उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के सामने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए बेमतलब और निराधार टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह पहले ही साफ हो चुका है कि कनाडा के अधिकारियों ने जानबूझकर भारत की छवि को खराब करने और दूसरे देशों को प्रभावित करने की एक रणनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में निराधार आरोप लीक किए थे। यह केवल उस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है जो भारत सरकार वर्तमान कनाडाई सरकार के राजनीतिक एजेंडे और व्यवहार के बारे में लंबे समय से रखती आ रही है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना कदम द्विपक्षीय रिश्तों पर गंभीर असर डालेंगे। आपको बता दें कि डेविड मॉरिसन ने देश की नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी को बताया था कि भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कनाडाई नागरिकों को धमकी देने या उनकी हत्या के अभियान को मंजूरी दी थी
उन्होंने माना था कि उन्होंने अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लीक किया था। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में शुक्रवार को हुए चरमपंथी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चिनार कोर के आधिकारिक एक्स अकाउंट की एक पोस्ट के मुताबिक 1 नवंबर की देर शाम बांदीपोरा के पनार क्षेत्र में सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधियां देखी। चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और जंगल में भाग गए। बता दें कि शुक्रवार की शाम को एक चरमपंथी हमले में 2 मजदूरों के घायल होने की भी खबर सामने आई थी। घायल होने वाले दोनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के हैं और उनको गोली लगी है। अब शुक्रवार की शाम को हुए इन चरमपंथी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बयान देते हुए कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जैसे ही हुकूमत यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई और ये होने लगा है, मुझे शक है कि कहीं ये वो लोग तो नहीं कर रहे जो इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं हो रहा था। उन्होंने ANI को दिए बयान में कहा कि इसकी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे पकड़े जाते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन ये कर रहा है। उनको मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, पकड़ कर उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। हरियाणा चुनावों के संबंध में पार्टी की शिकायतों पर आए चुनाव आयोग के जवाब पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने 20 सीटों पर शिकायत की। हमारे पास दस्तावेज थे, हमने उन्हें प्रस्तुत भी किया, हमने चर्चा की और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। 20 दिनों के बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया, यह कोई जवाब नहीं है। हमारे विशिष्ट आरोप शिकायतें, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, उन पर कोई जांच नहीं की गई। उन्होंने खुद को क्लीन चिट दे दी। आप एक चुनावी संस्था हैं, एक संवैधानिक संस्था हैं। मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि आप समझे कि आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य सुनना है, पार्टियों को गाली देना नहीं है और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के आदेशों पर काम करना नहीं है। आप एक संवैधानिक संस्था हैं। हम VVPAT पर चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, उन्होंने हमसे 1.5 साल तक मुलाकात नहीं की, जबकि हमने उनसे मिलने की कोशिश की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।